हेलो ऑल, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। एंड आवेश की सभी का वीकेंड सैटरडे संडे बहुत अच्छा गया होगा। एंड बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा फ्राइडे भी बहुत अच्छा गया था। एंड मंडे भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और ये पूरा वीक जो है, मैं जो आ रहा है हमारा, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। एंड आई कैन अश्योर दिस कि बहुत बेहतरीन सी तैयारी करके, बहुत अच्छे से ट्रेड सेटअप्स में आप लोगों के लिए लेके आए, और मंडे बहुत अच्छे से हम बैंक करेंगे, बहुत अच्छे हिट लगाएंगे। जो भी एग्जीक्यूट होता है डेफिनेटली टारगेट तक जाएगा। तो मंडे की ट्रेड्स शुरू करने से पहले, मार्केट रिव्यू करने से पहले, बिल्कुल फ्राइडे की ट्रेड्स में रिव्यू करूंगा एक बार। बहुत ही अच्छा दिन फ्राइडे रहा था हमारा। सो अगर फ्राइडे देखा जाए तो सेंटिमेंट्स बियरिश थे, एज मैंने प्रिडिक्ट किया था। रहा भी, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। क्लाइंट्स का क्वार्टर रिजल्ट भी मतलब एक्स पर एक्सपेक्टेशन ही रहा है, ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं रहा। सो निफ्टी ऑलमोस्ट मेंटेन किया लेवल। क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग 355 दिया था, इस बार क्लोजिंग 352 दिया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन दिया लेकिन फ्लैट दिया। बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही है और चांसेस कंटिन्यूस रहने वाली है। पहली स्किप थी, पहले हमारे पास बहुत धमाकेदार इसने हिट लगाया, इतना कि एक्सपेक्ट हमने किया नहीं था। 1553 से इसका एग्जीक्यूशन था, और ऑलमोस्ट फुल टारगेट। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ कहाँ गया। इसकी 1600 की सीई को मैंने ट्रेड किया था 38 के पास से, लेकिन एग्जिट किया सिर्फ 52 पे, और वो अभी 100+ हो गई थी। मतलब इतनी बड़ी ट्रेड और बहुत कम में हमने निकाल दिया। लेकिन मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस पे कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तैयारी इस पे कर रहा हूँ। और एक मंथ में एक ऑप्शन की ट्रेड इतनी बेहतरीन रहा करेगी, आप बिलीव कीजिए मेरी बात का, कि जो मल्टी फोल्ड रिटर्न देगी। लाइक इंडसइंड बैंक की मैंने ट्रेड की थी 1480 की पीई, वो भी 150 के पास पहुंचने वाली है। तो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशंस एनालिसिस जा रहे हैं, और मंथ में एक ट्रेड ऐसी रहेगी जो मल्टी फोल्ड रिटर्न देगी, पूरी कोशिश रहेगी। तो पहल बहुत बेहतरीन हिट रही। नेक्स्ट बर्जर पेंट, जैसा कहा था गेम चेंजर्स होगा और ये रूल फॉलो करेगा तो हिट लगाएगा। बेहतरीन तरीके से भागा, और मतलब 7-8 पॉइंट्स, मतलब कहीं गए नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, फुल टारगेट जिसको बोलते हैं। हाँ, एसीसी ने थोड़ा सा ट्रैप किया, 1507 के नीचे सेल था और टारगेट 1493 1497 हमने रखा हुआ था। एसएल 1515 यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब मल्टीपल अटैम्प्ट के बाद भी 1507 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने चैनल में मैसेज किया था। आई विश अगर आप जुड़े हुए हैं तो जरूर देखा होगा कि अगर 1507 के नीचे फ्यू मिनट्स नहीं है, एसीसी को एग्जिट कर देना है। तो आई विश कि आई होप एंड आपने एग्जिट किया होगा, बट अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि स्टॉप लॉस फेस किया एसीसी में हमने। चलिए, ये बस एक फाइनल डे का, ये पूरे डे का सिर्फ एक स्टॉप लॉस मैंने देखा था, और अदरवाइज इंटीमेट मैंने कर दिया था कि भाई 1507 के नीचे इसको एग्जिट कर लीजिए, ट्रेड में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट आरबीएल बैंक, बैंक कर दिया 345 से एग्जैक्ट लो 341, बहुत बेहतरीन ट्रेड रही। हैवेल्स नॉन एग्जीक्यूटेड लिस्ट में मैं डालूंगा, क्योंकि फुल टाइम नॉन एग्जीक्यूटेड रहा, और जब एग्जीक्यूट हुआ तो 637 के नीचे नहीं गया और 638 के ऊपर नहीं गया, तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जीक्यूटेड, इससे कोई हमें बेनिफिट रहा नहीं। बहुत बेहतरीन दिन रहा, बहुत बेहतरीन हिट्स, मतलब 3 जबरदस्त हिट्स और एक नॉन एग्जीक्यूटर और एक में स्टॉप लॉस। उसके अलावा ग्रैनुअल्स को हमने ट्रेड किया था, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हैं, बहुत बेहतरीन हिट लगाया ग्रैनुअल्स में हमने। उसके अलावा एक्सिस बैंक को हमने ट्रेड किया था, जो भी बहुत अच्छे हिट लगाया। उसके बाद हाँ, जीसी प्रीमियम में एक एक्स्ट्रा ट्रेड था जीबीपी आईएनआर, जो कि बहुत बेहतरीन हिट लगाया। एंड इसके अलावा एक, हाँ, रिलायंस की एक पुट मैंने रिस्क लेके बाई की, ये सोच के कि रिजल्ट पे एक बैट लगाता हूँ, और वो मेरा थोड़ा सा काम खराब हो गया ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास है, देखते हैं क्या उसका होता है। अगर रिलायंस ने प्रॉफिट बुकिंग किया या पुल बैक किया, मार्केट थोड़ा सा भी डाउन साइड रहा, तो एक्सपेक्टेशन है मेरे कि वो मेरी 25 से 30 तक आ जानी चाहिए। मैंने उसको एंट्री किया है 20 के पास से। सो आई विश कि ये ट्रेड भी मेरी अच्छी जाने वाली है, अदरवाइज ये ट्रेड थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर गई।
इस बार बहुत बेहतरीन एक दिन हमारा फ्राइडे का रहा, और मंडे का ऐसा ही बेहतरीन रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मंडे की ट्रेड्स। क्लोजिंग दिया है निफ्टी 12,352.35, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग से 2 पॉइंट्स नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है काफ़ी ज़्यादा नीचे, 31,590.65। निफ्टी का ओपनिंग मुझे लग रहा है कि फ्लैट होने वाला है, 12,340 से 12,360 के बिटवीन होने वाला है। बैंक निफ्टी का ओपनिंग भी माइनस सा ओपन होने वाला है, 31,660, 31,700। अब मेरी प्लानिंग क्या है कि फर्स्ट हाफ में अगर अगर मुझे निफ्टी फर्स्ट हाफ में 31,720 के नीचे मिलता है, जो कि पूरे चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि इस लेवल के नीचे ही फर्स्ट हाफ में रहने वाला है, तो मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, ज़बरदस्त सेल करने जा रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करने वाला हूँ एक शार्प फॉल, मिनिमम 31,440 तो जाएगा ही, और इवन ओपन अगर ये होता है, मोस्टली ओपन इसी लेवल पे होने वाला है, फुल 2 चांसेस हैं, इससे नीचे ही होगा, इससे ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे। 31,440 तो बिल्कुल हिट करेगा, और अगर 31,380 के नीचे मिलता है तो भैया स्टॉपेज बहुत दूर है नेक्स्ट वाला जो है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि 31,040 से 30,800 तक भी मार्केट को लेके जा सकता है। तो मतलब बहुत लंबी प्रिडिक्शन है, क्रूशियल लेवल है, आप ये क्रूशियल लेवल है, दोनों माइंड में रखिए। और बस मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ रहा तो बड़ी अच्छी सी पुट बाय करूँगा और बड़े अच्छे अच्छे पैसे बनाऊंगा, 1 रुपए की लेके 100 रुपए पे उसको एग्जिट करूंगा, तो जस्ट फॉर फन। चलिए, और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट चला है, तो निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, या तो ब्रेकआउट की साइड जाने वाला है, और मुझे लग रहा है कि फुल टू निफ्टी इतना ही जाने वाला है, 12,280 के बिट 260 के नीचे मुझे दिख ही नहीं रहा कि निफ्टी जाएगा। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन बैंक निफ्टी में अभी होना बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्क्रिप्ट है हैवल्स, 637.40 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 632, सेकंड 629, स्टॉप लॉस में इस करूंगा 642। हैवल्स लास्ट बिल्कुल सेम ट्रेड है, थोड़ा सा माइनर से नीचे, मुझे इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है, मैं इसको बिल्कुल दोबारा से लेके आया हूँ, ट्रेड करूंगा और बिल्कुल ही टारगेट देके जाएगी। एक बार बैंक निफ्टी को जरूर रिव्यू करना चाहता हूँ मैं, 15 मिनट्स के फ्रेम में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली 200 MA के नीचे ट्रेड किया फुल टाइम, इवन लो ही ओपन ही उसके नीचे हुआ, तो मतलब आप जहाँ समझ सकते हैं कि हाँ बेरिश थोड़े से ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली 200 MA के नीचे। और लास्ट अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल अगर आप कलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी रेसिस्टेंस लेवल के नीचे आ गए, ब्रेक कर दिया 620 का जो मैंने आपको लेवल बताया, 740 स्ट्रॉन्ग बाय बाय पॉइंट था, उसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। सो अगर अभी रहता है सेम कंडीशन रहती है तो अभी और भी ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, 380 इजीली देखने के लिए लेवल मिलने वाला है हमको, और 380 अगर ब्रेक हुआ तो एक शार्प फॉल होगा एज पर मी, मैं जैसा मैं सोच के बैठा हूँ, इमिनेंट नहीं है कि ऐसा हो, मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से एक शार्प फॉल होगा जो मार्केट को इजीली 30,800 30,700 तक के लेवल तक तो लेके जाएगा ही जाएगा। बजट भी आ रहा है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल अपने चरम सीमा पे रहेगी, कॉन्शियसली ट्रेड करूंगा, बिल्कुल कॉन्शियसली ट्रेड करना जरूरी है इस टाइम। चलिए हैवल्स पे चलते हैं, 30 मिनट्स का फ्रेम में आप देखें तो सेम वही कंडीशन अराइज हो गई है, हैवल्स ने काफ़ी अच्छा फर्स्ट सेशन में ट्रेड किया, 651 तक के लेवल तक हैवल्स हम पहुंचा, लेकिन उसके बाद फर्दर डाउनफॉल एंड वही सेम लेवल पे क्लोजिंग हुआ। सो सेम मैं इमिनेंट कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैजिकल लाइंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है अच्छा सेल साइड में, तो फुल टू चांसेस हैं कि अब की बार अगर ब्रेकडाउन देता है 633 के नीचे, बहुत अच्छा बेहतरीन फॉल वेट कर रहा है, 631 629 तक का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा, सेम वही मेरे दोनों टारगेट हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड हैवल्स जाने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट स्किप पे, नेक्स्ट स्किप है कैस्ट्रॉल इंडिया, ये है भाई जबरदस्त स्किप होने वाली है, ये हो सकती है गेम चेंजिंग स्किप, बहुत बेहतरीन 153 का लेवल आता दिखाई दे रहा है कैस्ट्रॉल इंडिया में मुझे, 139 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 142, सेकेंड 143, स्टॉप लॉस में यूज करूंगा 136। चलिए कैस्ट्रॉल इंडिया को रिव्यू करते हैं चार्ट पर, बेहतरीन 4 आवर्स में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है चारों मैजिकल लाइंस के ऊपर, ADX जबरदस्त रीडिंग देता हुआ, RSI 73 के आसपास पहुंच चुका है, तो मतलब अभी भी ओवर ओवर बॉट कंडीशन बाकी है। सेम अगर मुझे मिलता है 139 के ऊपर एक शार्पली
शार्पली इसको एक क्या बोल सकते हैं, ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। इसको इजीली 145 144 के लेवल तक लेके जाएगा। वनडे का चार्ट अगर मैं रिव्यू करूं, सेम कंडीशन है, बहुत अच्छा क्रॉसओवर 50 WMA के आसपास देखने के लिए मिला है। सेम इसी रिजेक्शन लेवल के ऊपर मैंने इसकी बाइंग रखी हुई है। इजीली 147 तक तक कोई हर्डल्स नहीं है हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक के लिए। और प्रीवियस डेटा अगर कलेक्ट करें तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, सपोर्ट लेवल के ऊपर है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेम चेंजिंग ट्रेड होने वाली है। 3 से 4 पॉइंट्स कैस्ट्रॉल इंडिया में आपको इजीली मिलने वाले हैं। तो 142 143 बहुत फीजिबल टारगेट रहेगा बुकिंग के लिए, बहुत बेहतरीन हिट लगने वाली है। माइंडट्री लग रहा है कि फ्यूल खत्म हो गया है, 881 के नीचे मैं इसको सेल करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट 875, सेकेंड 873, 100+ में यूज करूंगा 887। ट्रिक कर सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है, स्टॉप लॉस छोटा लेके ट्रेड कीजिएगा। लेकिन आईटी सेक्टर वीक मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि अभी कंटिन्यूसली वीकनेस आईटी सेक्टर में देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत बेहतरीन हिट्स लगाने के बाद एग्जैक्टली अपने रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 8, जो कि 881 881 के ऊपर ही है। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक कर दूँ, 1 आवर्स में ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैजिकल लाइंस के नीचे इसने जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली बना हुआ है। 50 मिनट्स के फ्रेम में ज़्यादा हैवी सेल प्रेशर दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये लास्ट के अपने सारे लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, रेसिस्टेंस लेवल को। 30 मिनट्स में अगर आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला हुआ है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में डाउन साइड इमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो सेम वही लेवल मेरे माइंड में 881 के नीचे अगर मुझे एक भी कैंडल मिलता है जाता हुआ, एकदम फटाक से मैं सेल बटन दबा दूंगा अपना, और इजिली मैं तो वीक। और लेवल तो बहुत ज़्यादा नीचे का भी देखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो पॉइंट्स है वही सेम हम रख के चलेंगे, 6 से 7 पॉइंट्स इजीली माइंडट्री में मिलने वाले हैं मुझे। एंड अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल से तो बिल्कुल ज़रूर हो जाइए, जस्ट सर्च कीजिए गेम चेंजर्स टी, एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। बहुत ही अच्छी अपडेट्स मैं कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराता रहता हूँ यहाँ पे, मार्केट से रिलेटेड। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेडिंग जीरो टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं, हल्का सा नॉइजी है, लेकिन आप अपनी क्वेरी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और तुरंत ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। ICICI बैंक नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, सेल साइड में जा रहा हूँ उसके साथ में। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 526, सेकेंड 525, स्टॉप लॉस में यूज करूंगा 537, और सेल एंट्री है मेरी 531 के नीचे। रिव्यू करते हैं ICICI बैंक को एक बार चार्ट पर। 30 मिनट्स के फ्रेम में देख सकते हैं जबरदस्त सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे की साइड जाता हुआ ICICI बैंक दिखाई दे रहा है। तो 531 के नीचे बहुत बेहतरीन एंट्री, बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ में मिल सकती है, जो कि इसको इजिली 525 के लेवल तक तो लेके मिनिमम जाएगी ही जाएगी, और 523 521 519 भी देखा जा सकता है। लेकिन एज पर इंट्राडे ट्रेडिंग 5 से 6 पॉइंट्स मेरे लिए ICICI बैंक में बहुत अच्छे रहेंगे, और फुल टू चांसेस है कि मुझे मिलने वाले हैं ये 5 से 6 पॉइंट्स। 15 मिनट के फ्रेम में अगर आप देखें तो जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है इस पे, और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम इसने सेल साइड में जनरेट किया है, और मेरे हार्ट लाइन ADX की 17 के पास पहुंचने वाली है, ऑलमोस्ट सेल ट्रेंड में आने वाली है। RSI 28 बिल्कुल लग रहा है कि अभी और डाउन जाएगा, 15 तक जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और प्रीवियस जो मेन बात है, जो प्रीवियस अपना रेसिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ बहुत शार्पली नीचे गिर रहा है, इजिली 525 के लेवल तक तो इसको आना ही चाहिए। तो मतलब 531 से 6 से 7 पॉइंट्स मुझे इजिली ICICI बैंक देके ही जाएगा, अगर 531 के नीचे मुझे इसका एग्जीक्यूशन करेक्टली मिल जाता है। तो स्टॉप लॉस को मैं हल्का सा आगे ले आऊँगा, 535 534 तक ले आऊँगा, जैसे जैसे टारगेट मेरे साइड आता रहेगा। एंड फाइनल स्क्रिप्ट है मेरे पास BPCL, BPCL को मैं सेल करने जा रहा हूँ। 451 के नीचे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 445 सेकेंड, 443 और 439 भी देखा जा सकता है, 455 का स्टॉप लॉस मैं यूज़ करूँगा। और BPCL की जस्ट अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। 430 की PE मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जैसे ही मुझे इस पर कुछ अपडेट्स मिलेगा मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। अभी शायद 2 के आसपास चल रही है, तो 451 के नीचे BPCL को मैं सेल करने जा रहा हूँ, रिव्यू करूंगा जरूर चार्ट पर। पहले इसका बड़ा फ्रेम बिल्कुल मैं एक बार देखना चाहता हूँ। अगर आप 4 आवर्स का फ्रेम देखें तो जहाँ से BPCL शुरू हुआ था, या बोल सकते हैं जहाँ से BPCL गिर के शुरू हुआ था बढ़ना,
सेम उसी लेवल पे आ गया है, और मुझे लग नहीं रहा कि इस बार इसके लिए फिर से सेम लेवल तक पहुंचना पॉसिबल होगा। तो भाई सेम बात है, 451 के नीचे अगर मुझे एक भी कैंडल मिलती है, अदरवाइज ये पुल बैक करेगा, क्विकली पुल बैक करेगा और सेम 465 470 के लेवल तक पहुंच जाएगा, जो कि इस बार मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है। जबरदस्त सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, ADX भी सपोर्ट में है एंड ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स मेरे साथ सपोर्ट में हैं। और अगर इस बार मुझे गिरता है तो एक बहुत ही जबरदस्त फॉल, या बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा फॉल देखने के लिए इसमें मिलेगा, जो कि आप इसका प्रीवियस लेवल अगर कलेक्ट करें, अक्यूमुलेशन लेवल सेम 451 457 ऑलवेज रहा है, और इसी लेवल के बाद आप देखिए कितना बड़ा इसने पुल बैक करके इस लेवल पे पहुंचा है। तो सेम अगर सीढ़ियां उतरी हैं, चढ़ा है तो उतरेंगी भी, और सीढ़ियां उतरी तो भैया 417 421 419 तक के लेवल BPCL दिखा सकता है। अभी इतना दूर का नहीं सोचना है, बिल्कुल दूर का सोचेंगे अगर डिपेंड करता है कल की क्लोजिंग पे। कल की क्लोजिंग अगर मुझे मिल रही है 448 के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल रही है, तो सेम जो मैंने चीज़ आपको बताई है, जो ट्रेड मैंने माइंड में सोची है 430 की PE, तब मैं जरूर इस पे मैं एक ट्रेड लगाऊंगा, और बिल्कुल ये बहुत गेम चेंजिंग ट्रेड हो सकती है, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। तो 451 के नीचे वीकनेस है, चांसेस पूरे हैं इस बार मतलब फॉल देखा जा सकता है, बड़ा फॉल इमिनेंट फॉल देखा जा सकता है, जो कि इसको बहुत नीचे तक के लेवल तक के लिए ड्रैग कर देगा। लेकिन एज ए डे ट्रेडिंग अगर मैं जाऊँ तो 443 का 445 का लेवल, 6 से 7 पॉइंट्स का लेवल बहुत ही ह्यूज लेवल है, और मुझे मिलने वाला है 451 के नीचे। सो ये पांच स्क्रिप्ट थे मेरे पास, जबरदस्त हैबल्स, अगेन सेल साइड में जा रहा हूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया जबरदस्त बाइंग लग रही है, और शायद शॉर्ट टर्म के लिए इसको लिया भी जा सकता है, 161 का लेवल देखा जा सकता है। माइंट्री सेल साइड में जा रहा हूँ, 881 के नीचे 877 869 तक का लेवल दिखा सकता है। और अगेन बिल्कुल आप कनेक्ट हो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से कंटिन्यूअसली अपडेट रहने के लिए। इन ट्रेड से अलग भी मैं वहाँ ट्रेड पोस्ट करता रहता हूँ, एक्सिस बैंक, GBP INR, ग्रैनोल्स, ये सब हमने वहाँ ट्रेड की थी, जबरदस्त तरीके से ट्रेड की थी। सो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं गेम चेंजर स्टी टाइप करके टेलीग्राम पर। ICICI बैंक जबरदस्त 531 के नीचे होने वाला है, अच्छे हिट लगाने वाला है, 6 से 7 पॉइंट्स इजिली, 5 पॉइंट्स आपको इजिली देने जा रहा है। BPCL जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये गेम चेंजिंग स्किप हो सकती है और आगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमको दे सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, गेम चेंजर्स को ग्रो होने में हेल्प कीजिए, एंड कोई भी कन्फ्यूजन है तुरंत कमेंट कीजिए और तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा। यूट्यूब पे नहीं कर सकते हैं, या यूट्यूब पर चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूंगा, एंड लाइक तो बिल्कुल करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विश मंडे बेहतरीन रहेगा, पूरा वीक बेहतरीन रहेगा, और आने वाला पूरा महीना पूरा साल बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।